तलवारी रोड आएगी तो तलवारी रोड नहीं देखो अरे दम नीचे बधेर बहुत मारे वाद्य यंत्र को देख रहे हो, ये हमारा उत्तराखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है जो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ दोस्तों रियली अपनी लाइफ में। तो इसको तुरी बोलते हैं और इसका साउंड बहुत ही प्यारा है क्योंकि अभी मैंने सुना जो इसको बजाते हैं उन दादा से तो बहुत ही प्यारा बजा रहे थे इसको। और इसका दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज मैं हूँ अपने प्यारे से गाँव पाली पछाव के मंदिर में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो मेरे बैक साइड में कुछ उत्तराखंडी यहाँ पर कॉस्ट्यूम आपको दिख रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो यह है एक छोलिया नृत्य का कॉस्ट्यूम। अगर आप छोलिया नृत्य करते हो तो आपको इस टाइप के कपड़े पहनने पड़ेंगे और तभी आपका जो डांस होगा वो बहुत ही प्यारा और सुंदर लगेगा। तो हमारी यहाँ पर टीम पहुँच चुकी है। तो हमारे प्रोग्राम देखो हमारे तुम्हारे ग्राम सभा छठ का पाली में तो हम कलाकार जागेश्वर बटी आ रहा झाका से मुआबड़ी जागेश्वर बगल में झाका से सहमा बगल में गैराड़ गाँव पर वहाँ पर मल्ला गैराड़ ग्राम सभा बटी आ रहा हम। तो तुम्हारे ग्राम सभा में केंद्रीय ग्राम सभा से ये मैं तुम्हारे प्रधान जी ना हाथे प्रमाणित है हमारे में और जे तुम्हारे को ना जो भी है आप लोगों की सेवा के लिए आ रहे हैं और हमारी जो संस्कृति लुप्त होना है एक हमें जागरूकता करने था ये सरकार हमन के कि गाँव गाँव में जाओ और जरा हमारी संस्कृति मतलब से दो छोलियाँ होंगे उसमें ये नृत्य कर रहे हैं हमारे पूर्व जन्म बड़ी मतलब पितरों से हमारा चले हुए आ रही है संस्था ये हमारे साठ बाद का काटो मतलब बाणन का काट दो ढाल तलवार राजा महाराजों के समय में चला था तो वहाँ मार जब पड़े जब तो हमारा छोलिया नृत्य आगे आया उसमें। तो दोस्तों छोलिया नृत्य अर्थात छलिया उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रचलित लोक नृत्य है। ऐसा माना जाता है कि छलिया नृत्य की शुरुआत खस राजाओं के समय में हुई थी जब विवाह तलवार की नोक पर होते थे। चंद राजाओं के आगमन के बाद यह नृत्य उत्तराखंड की पहचान बन गया। यही कारण है कुमाऊं में आज भी दूल्हे को कुंवर या राजा कहा जाता है। छलिया नृत्य में कुमाऊं के परंपरागत वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जिसमें तुरी नागफनी और रणसिंघा प्रमुख हैं। इनका प्रयोग पहले युद्ध के समय सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया जाता है। और दोस्तों छोलिया नृत्य या छलिया नृत्य को अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है जैसे विशु नृत्य शराव अर्थात नकली लड़ाई रण नृत्य सरंकार वीरांगना छोलिया बाजा सौका शैली पैठण बाजा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो छलिया नृत्य ये उत्तराखंड का एक प्रमुख लोक नृत्य है। और दोस्तों अगर आप भी अपने शादी समारोह या कोई अन्य पार्टी में इस नृत्य को करवाना चाहते हो तो आप गोपाल राम जी एंड उनकी टीम से संपर्क कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बताता हूँ 7579050254। तो दोस्तों आप अपने घरों में कोई भी पार्टी या फंक्शन में गोपाल राम जी को बुला सकते हो और छोलिया नृत्य का आनंद ले सकते हो। काफ़ी जाने माने और मशहूर कलाकारों में इनका नाम आता है। तो धन्यवाद दोस्तों आगे वीडियो कंटिन्यू रहेगी आप देखिए और उत्तराखंड के छोलिया नृत्य का मज़ा लीजिए। बाय दोस्तों।
भगवती मैया की, भगवती मैया की, गांव के भूमिया की, जागेश्वर टीम की। कार्यक्रम कैसा लगा, ये पूछ रहे कैसा लगा, कैसा लगा आप लोगों के बीच आए। अपना प्रस्तुतिकरण मतलब देहरादून से सीधे टीवी में आता ना, हम भी मतलब कहते चलो भाई ये टीम हमारी, हम आए थे। कोई नहीं, आपको हम एक बार टीवी में आपको कराएंगे सर, एक बार दूरदर्शन में अवश्य दीजिए, ठीक है, अवश्य कराएंगे आपके लिए, बिल्कुल आपके मनोरंजन के लिए आपका चैनल वहाँ से आएगा। बहुत बढ़िया लगा, जो भेटी हुई है सब। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दादी कि आप लोगों ने यहाँ पर आ करके हमारे इस कल्चर को हमें दिखाया जो कि विलुप्त होने के कगार पे है, आपने आ करके उस कल्चर को हमें दिखाया, तो हम समस्त ग्राम सभा वासी आपके अत्यधिक आभारी हैं। गांव की समस्त मातृ शक्ति है, महिला मंगल दल की पूरी टीम है, तो ये लोग काफी खुश हैं इस नृत्य को देख करके। तो खासकर आप बताओ मुझे कि आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। यह हमारे अलमोर डिस्ट्रिक्ट में उसी कम हो, ये ज्यादातर बागेश्वर और पिथौरागढ़ हो जाओ, अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो तो दगड़ियो यो बहुत बढ़िया लगो एल की हम गाँव में एक छोलिया नृत्य टीम अर्ची और उन्होंने अपन नृत्य दिखा, तो हम गांव लगभग सब मातृ शक्ति काफी खुश है और उनको सबको बढ़िया लगा। आप भूख लगा मेरे आ घर में सच्चा बात, बहुत सच्चा बात।